नमस्कार, आप देख रहे हैं दाल चौके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ मेहमान सामारे। राजस्थान के कोटा में मासूमों की मौत का आंकड़ा आज 107 तक पहुंच गया। ये आंकड़ा बीते 35 दिनों का है। मासूम मरते रहे लेकिन गहलोत सरकार सोती रही। कल 34 दिन बाद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जेके डून अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे, तो आज राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अस्पताल का दौरा किया। आज सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि पिछली सरकार में क्या हुआ ये बताने की बजाय इन मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी। सचिन पायलट का ये कहना तो ठीक है, लेकिन ये उन्हीं को बताना होगा कि लापरवाही और नाकामी की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा, कब ये जवाबदेही तय होगी। तो आज बड़ा सवाल यह कि मासूमों की मौत के बाद ही क्या तय होगी जवाबदेही। वेंटिलेटर पर मेडिकल सिस्टम, सोती रही सरकार। कोटा हो या बूंदी, कब तक बेमौत मरेंगे मासूम। आंकड़ों के खेल वाली सियासत पर यह फुल स्टॉप कब लगेगा। मासूमों के मुजरिमों का पक्का हिसाब आखिरकार कब होगा और मासूमों की मौत पर आक्रोश कब देखने को मिलेगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीएसपी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक एमएच खान साहब जुड़े हुए हैं, यहां पर स्टूडियो में उपस्थित हैं। राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक चेतन सिंह, और हमारे साथ एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भी इस वक्त इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। तो चेतन जी, अब तो उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, सचिन पायलट भी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब ये जवाबदेही तय कौन करेगा, कब करेगा, या और मौतों का इंतजार अभी करेंगे और तब जाकर ये जवाबदेही तय होगी? नहीं जी, बिल्कुल भी। देखिए, एक एक बच्चा जब जाता है तो ऐसा लगता है कि देश की उम्मीद जा रही है, इस पे कोई दो राय नहीं है। देखिए, जिम्मेदारी हेल्थ के सब्जेक्ट के ऊपर राज्य सरकार की बनती है, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, एक साल पहले ये सरकार आई है। एक साल पहले अगर आप देखेंगे स्थिति, मैं कुछ आंकड़े नहीं गिनाना चाह रहा, लेकिन एक साल पहले तो अशोक गहलोत ने बता दिया कि पहले 1000 होते थे, अब 900 हो गए। अब ये नहीं, 900 आंकड़ा, जरा चेतन सिंह अपनी आत्मा की जो आवाज है ना उसे सुनिए। आज बिल्कुल एक बच्चे की मौत का क्या मतलब होता है? नहीं, बिल्कुल 900 बच्चों की मौत, क्या इसके लिए इनाम दिया जाए सरकार? नहीं नहीं नहीं, देखिए, क्या आपने 1000 से घटाकर उसको 900 कर दिया? देखिए मीनाक्षी जी, अगर आप राज्य सरकार के किसी भी जिले अस्पताल में चले जाएं, किसी भी राज्य के, पूरे अगर पूरे देश में अगर कहूंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्थिति बहुत ही बद से बदतर है सभी जिला अस्पतालों में। क्यों? क्योंकि हमारा GDP का सिर्फ 2% दिया जाता है, और राज्य सरकार, राजस्थान की बात करूं तो 5% GDP का। तो देखिए, जब तक ये डॉक्टर्स की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी, स्टाफ की कमी, ये जितने भी ज्यादा, देखिए बच्चों के लिए क्या चाहिए होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बच्चे कैसे, बच्चा जो इन्फेंट नवजात शिशु कैसे बचेगा? उपकरण खराब थे तो किसकी जिम्मेदारी? मैं वही कह रहा हूं, ठीक होने चाहिए थे, ये किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं, आप किसी भी राज्य के जिले अस्पताल में चले, मैं राजस्थान की बात कर रही हूं चेतन सिंह, मैं राजस्थान की, पूरे देश में क्या हो रहा है वो मुझे पता है। देखिए अभी आपकी सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल जवाबदेही किसकी बनती है? तो बोल तो रहे, देखिए अभी सचिन पायलट जी ने जो बोला है, इवन अशोक गहलोत साहब ने भी क्या बोला है, सोनिया गांधी जी ने भी पांडे जी को बिल्कुल स्पास समन किया। उन्होंने बोला कि भैया आपको चीजों को समझना पड़ेगा, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। एक महीना लग गया स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल का दौरा करने के लिए। सचिन पायलट वहां पर पहुंच रहे हैं एक महीने के बाद, सचिव थे वहां पर, 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। अब इंतजार करना होगा कि 100 मौतें और हों और तब फिर एक्शन करेगी सरकार, एक्शन में आएगी। मीमांसा जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, बहुत दुखदाई बात है। नहीं, बता दीजिए, 100 मौतें, 200 मौतें, 300 मौतें, बता दीजिए, एक डेडलाइन सेट कर लीजिए। मीमांसा जी, मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए अगर कहीं पे एक आतंकी हमला हो जाता है, 10 लोग मर जाते हैं, तो पूरे विश्व में बात फैल जाती है। 100 बच्चे चले गए, कितनी बड़ी दुख की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए राज्य ये दुख जो है ना, देखिए केंद्र सरकार को चेतन दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, जो सरकार की ओर से बयानबाजी हो रही है, जरा एक मिनट रुकिए, जरा नहीं, देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पहले दिन से जरा बयानों को सुनिए, बच्चों की मौत होती रहती है, कोई नई बात नहीं। नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने। नहीं नहीं, देखिए आप अगर नहीं 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 आप पूरे इंटरव्यू में अगर एक चीज निकाल के बोलेंगे तो बात ठीक नहीं रहेगी। 900 नहीं, और अस्पतालों में कुछ ना कुछ कमी जरूर मिल जाएगी। CAA से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए बड़ा मुद्दा बिल्कुल है ये, इस पे कोई बनाने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें बिल्कुल आवश्यकता से और बिल्कुल जिम्मेदारी से समझनी पड़ेगी। तो देखिए, जब तक हमारा हेल्थ का बजट नहीं बढ़ेगा, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश, क्यूबा
क्यूबा ने कितना अपना हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्या हमारा देश नहीं कर सकता? देखिए ये बजट पेश हो रहा है तो मैं जफर इस्लाम साहब बैठे हैं यहाँ पर, जफर इस्लाम साहब से मैं अनुरोध करूंगा, इकोनॉमिक्स के हैं, वो बोलेंगे वहां पर कि भैया इस बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। जफर इस्लाम साहब, ये रघु शर्मा जो है स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो मौतें हो रही हैं इसके पीछे पीएमओ की साजिश है। 2015, 2016, 2017 में अस्पताल प्रशासन ने फंड्स मांगे थे, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन ये पैसा नहीं भेजा गया। देखिए मीमांशा जी, आपने सुना वहां के मुख्यमंत्री को, आपने सुना अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को। देखिए पूरा देश भावुक है इस मौत से, बच्चों की मौत से पूरा देश भावुक है, लेकिन इनकी भावनाओं को आप देख लीजिए। ये तो मौत के सौदागर है, बच्चों के मौत के सौदागर, ये आंकड़ों में खेल रहे हैं कि इतने आंकड़े पहले थे, इतने आंकड़े बाद में थे। मतलब इनकी का मान्यता कहां चले गए, इनके लिए मर गई है, इनके दिल में कोई ऐसी आत्मा में कोई ऐसी सवाल नहीं उठती। अपनी आत्मा को झिझोड़ के जरा देखिए भाई चेतन, कि किस तरह के वहां की माओं को कैसा महसूस हो रहा है, और आप यहां जीडीपी के नंबर के बात कर रहे हैं या आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अरे कोई भावना तो होनी चाहिए। जफर इस्लाम साहब, आपको तो जुखाम आता है आप अमेरिका चले जाते हैं, आपको बुखार आता है आप यूरोप चले जाते हैं। जफर इस्लाम साहब, आप किसी जिला अस्पताल में गए हैं? नहीं, आप किसी जिला अस्पताल में गए हैं? नहीं नहीं जफर इस्लाम साहब, आप कभी जिला अस्पताल में गए हैं? आप जिला अस्पताल में जाइए, सभी जिला अस्पतालों की यही हालत है। अरे आप देखिए तो सही, आप जिला अस्पताल देखिए, हमारे स्वास्थ्य, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी साहब, मैं तो गांव में ही पला बड़ा हूँ। हाँ, पीएचसी, पीएचसी की बात करेंगे, आपको जफर भाई, जफर भाई पीएचसी की बात करेंगे तो देखेंगे ना कितनी कितनी बच्चे बदतर हालत है पीएचसी की। जागरूकता अभियान की बात करेंगे तो हमें पता है। देखिए विमानशाह जी, बच्चे भी जब आते हैं अस्पताल में, जब स्थिति बहुत खराब हो जाती है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप देखिए, आप जिला अस्पताल में कभी नहीं गए होंगे, इसलिए आपको जमीनी स्थिति के बारे में जायजा नहीं है, के बारे में आपको जानकारी है। देखिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक है कि केंद्र सरकार इन बातों पर अब एक सबक सीखे, क्योंकि बिहार में मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही हुआ था, गोरखपुर में भी ऐसा ही हुआ था। ये देखिए लापरवाही है, अब आवश्यक है कि अब जैसे छोटे छोटे देश, जैसे क्यूबा जैसे देश है, उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया अपने हेल्थ बजट के ऊपर, क्या आप ये बता दीजिए कि इस बार बजट में हर्षवर्धन जी क्या बोलने वाले हैं? इनको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, इनको मुझे बोलने दीजिए। अरे सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है भाई, बता दीजिए देश को, प्रदेश को, मुख्यमंत्री कहाँ है? 100 बच्चों की मौत के बाद भी क्या उनके हाथ? अच्छा जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन जो खुद गए थे इस अस्पताल में, प्रियांक कानूनगो इस वक्त हैं, और वो आपको बताएंगे वहां की जमीनी हकीकत। अस्पताल का दौरा किया प्रियांक जी आपने तो जाकर, क्या देखा आपने वहां पर? जी मीमांसा जी, क्या देखा आपने वहां जाकर? देखिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि मैंने कई अस्पतालों के दौरे किए, इतनी बुरी और इतनी पैथेटिक सिचुएशंस वहां पे जो मैंने देखी है वैसी कहीं और देखने को वाकई में नहीं मिली। देखिए आंकड़ों की बातें बच्चों की मौत को लेकर करना बहुत शर्मनाक है, हमको सर्कमस्टेंसेस भी देखने पड़ेंगे। वहां पे वार्मर्स बंद हैं, इंक्यूबेटर्स बंद हैं, वेंटिलेटर्स के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया है, वहां पे अस्पताल के परिसर में सुअर घूम रहे हैं। जैसा अभी एक काबिल यहां पे जो प्रवक्ता महोदय थे बता रहे थे कि 4 डिग्री टेम्परेचर में बच्चों को कैसे बचाएं, बच्चों को बचाने की बात तो छोड़िए, वहां खिड़कियों में खिड़कियां नहीं हैं, टूटी हुई खिड़कियों से सीधी हवा बच्चों के बेड पे आ रही है। मैंने एक माँ को साड़ी बांधकर बच्चे को हवा से बचाते हुए देखा। इतनी बुरी और शर्मनाक परिस्थितियों में बच्चों की मौत हो जाना स्वाभाविक है। वहां पे मेरे जाने के एक दिन पहले 2 दिन तक राज्य सरकार के आला अधिकारी रह के गए, उसके बावजूद अगर ये स्थिति है तो शर्म आनी चाहिए इन डॉक्टर्स का, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था का, और इन बच्चों की मौत के सौदागरों का, बचाव करने वालों को। जी बिल्कुल प्रियांक जी, जो बात आप कह रहे हैं, देखिए ये लिस्ट है मेरे पास, अस्पताल के 71 में से 44 वार्मर खराब, 28 में से 22 नेबुलाइजर खराब, 111 में से 81 इन्फ्यूजन पंप खराब, 101 में से 28 मल्टी पैरा मॉनिटर खराब हैं,
ऑक्सीमीटर्स हैं वो खराब हैं, वहां पर 40 और बेड की जरूरत है वो नहीं पहुंच रहे, ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं है। एमएच खान साहब, जब ये उपकरण है ही नहीं तो बच्चों को कैसे बचाया जाएगा? और फिर अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ये तो सीएए से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। जी मीमांसा जी, सबसे पहले मैं तो जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनके माँ बाप के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, और बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इतना लाम काफ बता रहे थे, यहाँ का वहाँ का यहाँ का वहाँ का कर रहे थे। अरे भाई, नेबुलाइजर जो है ये बहुत मामूली पैसे में 100-200-500 रुपये में आता है, अस्पताल नहीं खरीद पा रहा है। खिड़कियों में आप देखिए, खिड़कियों में शीशे नहीं लगे, हवा खुला आ रहा है, और आप ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, सारी अव्यवस्था वहां फैली है। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में घूम घूम के सीए के विरोध में जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनका हाल ले रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान नहीं पहुंची जहां 107 बच्चे मर गए, सहानुभूत कहां है? कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? किस, मेरा तो कहना यह है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री पर 120B और 307 की धारा लग करके जेल भेजना चाहिए। ऐसे संबंधित सरकार को तो राष्ट्रपति को बर्खास्त भी कर देना चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। गोरखपुर में जब बच्चों की मौत हुई थी, मुझे याद आ रहा है, ध्यान ना दे सके, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था कि इस्तीफा की मांग हुई थी कि मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आप यहाँ पर भी तो वही लागू होना चाहिए ना, यहाँ इस्तीफा होना चाहिए, फिर नैतिक जिम्मेदारी लें वो। और सचिन पायलट तो खुद ही कह रहे हैं बिल्कुल कि पुरानी सरकारों को दोष देने से काम नहीं बनेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात जो सचिन पायलट जी ने बोला है बड़े जिम्मेदारी के साथ बोला है, और देखिए वो जो उनका बयान है कोई राजनीतिक बयान नहीं है, वो दिल से अपनी जो उन्होंने बात कही है वो उन्होंने सामने रखी है। दूसरा देखिए एमएच खान जी को दुख किस बात का है? बच्चों की मौतों का ज्यादा दुख है या प्रियंका गांधी का लखनऊ जाने का ज्यादा दुख है? यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि देखिए किस तरह से राजनीति पहुंच जाती तो कम से कम ठीक हो जाता। अशोक गहलोत नींद से जाग जाते, आप अशोक गहलोत जाग जाते, सचिन पायलट 8 दिन के देखिए 10 बच्चे मर गए, 20 बच्चे मर गए, 30 बच्चे मर गए, 40 बच्चे मर गए, 50 बच्चे मर गए, प्रियंका गांधी का कोई संवेदना नहीं है, महिला होकर के भी संवेदना नहीं है। हाँ खान साहब, देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीतिक एक राजनीतिक बयान करना बहुत आसान होता है, लेकिन व्यवस्था को समझना एक उतना ही मुश्किल हो जाता है। आपने राजनीतिक बयान तो कर दिया तुरंत आपने, क्योंकि लखनऊ आपके साथ सीधा संबंधित है, इसलिए आपने राजनीतिक बयान कर दिया तुरंत आपने। ये तो बताइए ना, पहले तो कांग्रेस बहुत ही धुनी हुई थी, जब गठबंधन था बीएसपी कांग्रेस का तब तो कांग्रेस बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आप मायावती को बहुत तकलीफ हो रही है, आप मायावती जी को बहुत तकलीफ हो रही है, वो लगातार ट्वीट कर रही है। मायावती जी को तकलीफ हो रही है, गहलोत सरकार को तो बाहर से सरकार पूरे देश को तकलीफ नहीं समर्थन तो दे रही थी ना, बीएसपी को तकलीफ हो रही है, 6 विधायक कांग्रेस में चले गए, अब इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है बीएसपी को, मायावती जी को नहीं पूरे देश को तकलीफ हो रही है, और मुझे खासतौर से हो रही है। मैं खान साहब, ये तकलीफ किस बात की है? ये कहाँ निकल रही है, ये समझ में आ रहा है? आपने अपना टेंट गाड़ लिया बाहर, वहां पर आप मुझे बता दीजिए, आपको जो प्रियंका गांधी जी का लखनऊ जाने से दुख हो रहा है, बच्चों की मौत का दुख नहीं है कि आपने अपना टेंट गाड़ लिया? आप भी एक ऐसी पार्टी हो चुकी हैं जो पूरे देश में, उत्तर भारत में तो कम से कम है, वहां पर आपके भी विधायक और आपके कैंडिडेट आते हैं, आपने किस तरह की व्यवस्था में सहयोग कर दिया? आप खान साहब देखिए, राजनीति करने का समय नहीं है, आवश्यक है कि राज्य भी अपनी अपना बजट बढ़ाए उस पर, और केंद्र सरकार जो भी बजट आ रहा है उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी से और अपनी बातों को समझते हुए एक अच्छे से हेल्थ जो इन्होंने सेंटर बनाया है, जो कमेटी भेजी है, उसमें आप समझे कि कितने जिलों में, कितने अस्पताल, जिला अस्पतालों में क्या स्थिति है, करप्शन हो रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कितने जिला अस्पतालों में करप्शन नहीं हो रहा, आप मुझे बता दीजिए। आप ये देखिए, आप आवश्यक है सियासत नहीं चाहिए, बातें करते हुए उन बच्चों के बारे में सोचिए, उनके परिवारों के दर्द के बारे में सोचिए। और जफर इस्लाम साहब, मेरा आपसे सवाल है, जफर इस्लाम साहब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए बदला क्या है? राजस्थान में सरकार बदल गई, लेकिन बच्चों की मौत पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही है। गड्ढा तो यही खोदते गए हैं। जरा 2014 में, चेतन सिंह एक मिनट रुक जाइए, 2014 में 1198, 2015 में 1260, 2016 में 1193, मुझे शर्म आ रही है ये आंकड़े बताते हुए। जफर इस्लाम साहब, राजनीतिक दलों को क्यों नहीं शर्म आती है आंकड़े देखकर? सुन लीजिए आप, जब सर, अरे एक
एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम किसने शुरू की? सरकार ने सोचा उस बारे में कि एक गरीब बच्चे का या गरीब परिवार का इलाज कौन करा सकता है? ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा, देश के उन लोगों को जिनको ऐसी सुविधा चाहिए उन लोगों को मुहैया कराया। अब मैं पूछता हूं आपसे कि वहां के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री एक महीने से बच्चों की मौत हो रही कहां है? वो कहां है? और वहां आंकड़े बताते हैं और उनके यहाँ के प्रवक्ता जो है जीडीपी नंबर बताते हैं। 70 साल से इनकी सरकार थी भाई, जीडीपी का 50% यहां क्यों नहीं एलोकेट किया? तो ये सौदागर जो मौत की सौदागर वाली जो सरकार है उनको चिंता नहीं है। मैं तो कम से कम इतना कहना चाहता हूं कि वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए, वो देर से गए, उनको पहले जाना चाहिए था। वो गए और उनके जाने के बाद उनको लगा कि उनकी सरकार ने कितना बड़ा जुर्म किया है। जफर भाई, आत्मा कहीं ना कहीं उनको जिजोड़ के मजबूर कर दी। इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला, बच्चों की मौत की जिम्मेदार आप उतने ही हैं जितने राज्य सरकार है। गहरे गड्ढे खोदे, चेतन सिंह कौन लेगा? चेतन सिंह जो गड्ढे खोदे हैं अब उनको भरने का वक्त आ गया है। वो कौन भरेगा, कैसे भरे जाएंगे? और राज्य सरकार कह रही है कि विचार विमर्श करने के लिए और हम इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं, केंद्र सरकार मदद करने के लिए आगे बढ़े। केंद्रीय टीम गई हुई है वहां पर। मेरा सवाल आपसे यह है कि केंद्रीय टीम वहां पर क्या कर रही है और क्या आप मिलकर यह इंश्योर कर सकते हैं आज जी न्यूज के मंच के जरिए कि और किसी बच्चे की मौत नहीं होगी वहां पर? मुझे यह एश्योरेंस चाहिए आज और इस देश को चाहिए यह एश्योरेंस। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से जो भी जो लोग देख रहे हैं उनको तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है, हमने टीम भेजी है और अश्योरेंस दिया है प्रधानमंत्री द्वारा भी और साथ साथ वहां हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी, हर्षवर्धन जी द्वारा, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए। अरे सपोर्ट तो मांगो, आप तो जा ही नहीं रहे वहां, हाथ फैला के सपोर्ट मांग लेते हैं। चार दिन पहले जफर इस्लाम साहब, कम से कम इस तरह की बातें मत करो, सपोर्ट हम तो हर तरह की चीज देने के लिए लोग बैठे। चार दिन पहले जफर भाई, चार दिन पहले गिरोह साहब ने बोला कि आप हमारी मदद करिए, आइए उनके रेड कार्पेट के लिए। इन सब मामलों में सियासत ना करके अपनी संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। और दूसरा, ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है कि जब आप जनमानस की सेवा कर सके, जो बच्चा जा रहा है उसकी चीख पुकार तो आपके कानों में पड़नी है, हम उसकी मां की। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोजिंग कमेंट प्रियांका का लूंगी, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि इस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सियासत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमें और बच्चों को नहीं खोना है, और बच्चों को नहीं खोना है। प्रियांक जी, आपने वहां पर ग्राउंड सिचुएशन देखी है, मैं चाहती हूं पॉइंट वाइज फटाफट आप बता दीजिए क्या करने की जरूरत है कि और बच्चों की मौत वहां पर ना हो। प्रियांक जी जल्दी से पॉइंट वाइज 1, 2, 3 स्टेप्स क्या होंगे? आपने बहुत सकारात्मक आपने बहुत ही सकारात्मक बात कही है और वहां पे जो सबसे पहले करने की जरूरत है वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से सरकार बच रही है जी। उन दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए जिनकी लापरवाही के चलते बच्चों की जान गई है। अभी तक किसी दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी बात, वहां पर स्वीकार करना होगा कि हमारी गलती है। अब गलती को स्वीकार करने के बजाय अगर बेशर्मी से आप आंकड़े बताते रहेंगे तो समस्याएं ठीक होने वाली नहीं है। एक बहुत ही मोटी सी बात जो वहां पर है, सुपरिंटेंडेंट मुझसे बोला कि साहब मैं व्यवस्था ठीक नहीं कर पाऊंगा, मेरा इस्तीफा ले लीजिए। तो इस तरीके के गैर जिम्मेदार लोगों की पर कार्रवाई नहीं हुई है। पिछला सुपरिंटेंडेंट कौन था, कहां गया, आज तक पता नहीं है। एचओडी वहां पर बैठता नहीं है, 174 बेड के हॉस्पिटल में एचओडी नहीं बैठता। 5 डॉक्टर्स की वहां पे एक्यूट कमी है, नर्सिंग स्टाफ की वहां पे एक्यूट कमी है। इन कमियों को तुरंत ठीक किया जा सकता है। संविदा पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लगा लीजिए, डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी। आप संविदा पे नर्सिंग स्टाफ को लगा लीजिए, राजस्थान में बहुत सा बेरोजगार युवा नर्सिंग की ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, आप उनको लगाइए और काम में लीजिए। लेकिन आप सकारात्मक रूप से जब आगे बढ़ेंगे तब ये होगा। जब तक आप डिनायल मोड में रहेंगे समझना होगा, और आप मानेंगे ही नहीं कि कहीं गलती हो रही है, तो फिर उस गलती को सुधारेंगे कैसे? जब सिस्टम आपका वेंटिलेटर पर है तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई तो आपको लगानी होगी ताकि वहां पर बच्चों की मौत ना हो। और मैं इस आंकड़े के साथ ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, 2017 में भारत में 8,02,000 शिशुओं की मौत हुई, 2018 में भारत में
8,82,000 बच्चों की मौत हुई और भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है ऐसा देश। अब ये जो आंकड़े हैं ये हमें सुधारने होंगे और हेल्थ केयर, मेडिकल केयर किसी भी राजनीतिक दल की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ये हकीकत है और अब इस पर काम करना होगा। ये सभी सियासी दलों को मिलकर काम करना होगा और तभी हम स्थिति को सुधार पाएंगे। इसी पॉजिटिव नोट पर आप देख रहे थे ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।